वाहेगुरु जी फतेह, जय माता दी आप सभी। आज मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो फंडिंग का, जो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि सिखों का फंडिंग कहाँ से आ रही है, जिसका मैंने जवाब दे दिया है कि वो केदारनाथ की बाढ़ से लेकर इतनी आपदा आई, तो उस वक्त सवाल पूछे थे यानी RSS को कच्चे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कभी तुम लोगों ने सोचा है कि जो RSS और BJP का क्या रिश्ता है? RSS क्या, अगर हम बोलते हैं कि हमारा हिंदू संगठन है और देश के हित के लिए खड़ा है, तो आज RSS जो है किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों आज RSS जो है मोदी सरकार का खड़ा हुआ है? कभी पूछो RSS वालों से कि तुम्हारे पास ये चटिया लेकर जो है, ये खाकी चटिया खरीदने के लिए तुम लोगों के पैसे कहाँ गए? तब मैं एक बात बताऊँ कि आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। आज गुरु तेग बहादुर जी ने जो वचन दिया था हिंदुओं की रक्षा का, वो वचन पूरा भी करके दिखाया, लाखों शहीदियाँ दी उसके लिए। तो मैं ये बोलूँगा हिंदू समाज को कि हमें उस चीज़ का हमेशा जो है ऋणी रहना चाहिए। यार हमारी कौम, हम हिंदू लोग किस तरफ जा रहे हैं, लड़ किस पे रहे हैं? गौमूत्र के ऊपर। यार अपनी माँ का तो मैं एक बात बोलूँ, अपनी माँ के कभी गंदे कपड़े नहीं धोए होंगे और यहाँ पर आके गौ माता कर रहे हो। अपनी माँ के कभी कपड़े धोए तुम लोगों ने? कभी अपनी माँ का जो है कभी बीमार पड़ेगी तो उनके कभी सफाई की तुमने? कभी नहीं की होगी। लेकिन होता क्या है, ये जो ब्राह्मणवाद है ना, इसने हम लोगों को जो है ना कहीं का नहीं है, मतलब बदनाम किया हुआ है। एक इंसान बोलेगा गौमूत्र सही नहीं है, मूत्र के ऊपर लड़ने लगे हुए यार, दूसरा गोबर खाकर दिखा देगा। अब तुम लोग बोलोगे मेरे को पांच गव्वे की भी जानकारी है, पांच गव्वे के मंत्र की भी जानकारी है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारे नाम के साथ कभी सिंह लगा करता था, हमारे राजा होते थे मान सिंह, कौन सिंह, आज वो सिंह हट गया। हम कभी कटारों की पूजा करने वाले थे, शस्त्रों की पूजा करने वाली कौम थी। हम वो कौम है कि जो सबसे निर्दयी कौम है कि जिन्होंने आज तक इंसानों की बलि देते हैं भगवान की राह में, हमारे कितने जो है देवी देवताओं के लिए जो है कितने जो है लोग उन्होंने अपनी गर्दनें कटा दी। ये जो नारियल भी चला था ना, ये ध्यानु भगत की उससे चला था। हमारे तो जब जागरण भी होता था तो उसमें प्रसाद में नर बलि दी जाती थी, औरतें हमारी सती हो जाती थी, और आज हमने उन औरतों के हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया हुआ है। और हम क्या सवाल कर रहे हैं, हम राष्ट्र के भगत नहीं हो रहे, हम अपने सनातन धर्म के नहीं हो रहे हैं, और हम क्या सवाल उठाए यार इन लोगों के ऊपर जो हम सवाल उठा रहे हैं? अभी तुम लोग जो हमारा सनातन धर्म आज कहाँ पर है, इस चीज़ को तुम लोग कहीं ना कहीं हंसोगे भी। पुष्कर चले जाना, पुष्कर में जैसे ही जाओगे तुम्हारे हाथ में यूँ जल पकड़ा देंगे, कहेंगे ये लो जी जल, ऐसे पकड़ाएंगे जल देख लो, कहेंगे अपने दादा दादी सबका जी खाना देना चाहते हो? आप बोल लोगे देना चाहते, अच्छा कितना साल का या जिंदगी भर का? आप कहोगे जिंदगी भर का। अच्छा मटर पनीर बढ़िया सब्जी देना चाहते हो? लोग कहेंगे हाँ जी हम देना चाहते हैं। लो जी भोजन सरप्यामी निकालो 50,000 रुपये। ये हवाबाज वाला एक जो हमारे जो भंडारा लगा हुआ है, हमें इन चीज़ों का खंडन करना चाहिए। हम शस्त्रों वाली कौम थी, हमारे आज भी इतिहास पढ़ाए जाते हैं, हमारे राजा महाराजा सर कटवा कर घंटों घंटों लड़ते रहे, हमारी वीरांगनाएं माँ पद्मावती जैसी कि आज तक किसी ने जौहर नहीं दिखाया होगा, 40,000 रानियों के साथ जौहर दिखा दिया था और किसी कौम ने जौहर नहीं दिखाया। लेकिन आज क्या मतलब क्या करते हो तुम गौ यार, तुम लोग ये ब्राह्मणवाद भाई, तुमने गौमूत्र पीना पियो, लेकिन हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हमारे को इसके बीच में मत घुसीटा करो, मैं यही बोलूँगा। और तुम्हारे अंदर थोड़ी गैरत है ना, तो ये मत बोलो कि तुम मुसलमान, यहाँ पर मुसलमान है, ये धर्म की राजनीति से थोड़ा ऊपर उठो और थोड़ा इस समाज के लिए सोचो। मैं भी संघर्ष में आया हूँ, आप लोग भी संघर्ष में आओ, यहाँ पर यार अपना योगदान दो। फालतू पोस्टें डालने से अच्छा है अपना योगदान दो। मोदी ने देश बेच दिया, सारे जो है रेलवे बेच दिए, बैंक दिवालिया घोषित कर दिए। जब तुम लोग कहाँ पर हो, कम 800 रुपये का जो है सिलेंडर हुआ है, तुम लोगों को जो है कहीं पर थोड़ी तो शर्म जगा लो। मोदी ने तुम्हें कौन सा लॉलीपॉप दे दिया हुआ है भाई, जो तुम्हारे मुँह से निकल नहीं रहा? मैं यही बात बोलूँगा, हमारी भूल कमल का फूल, और गुरु तेग बहादुर जी की जो है शहादत जो है 9वें पातशाह 10वें पातशाह और सारे शहीदों की जो है शहीदों की जितनी भी शहादत है, मैं बोलूँगा कि उसको कभी मत भूलना, उसको याद रखो। और हर इंसान हिंदू को सिखों का एहसानमंद होना चाहिए कि जो सिख कौम ने जो है बीड़ा उठाया था, और आज हमारे हिंदुओं की आबादी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सिख कौम शहीद हुई है। जय माता दी।